नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ गिरनार के जीवदानी मंदिर के पास। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, जीवदानी मंदिर दिख रहा है पहाड़ के ऊपर। जीवदानी मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना के पीरियड में संक्रमित लोगों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा मैं तो। जीवदानी मंदिर के बाद में करेंगे, अभी आइए कोरोना के बारे में बात करते हैं। और आइए मिलते हैं कुछ लोगों से, उनका क्या राय है, क्या व्यू है, क्या परेशानी चल रही है, इसके बारे में उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ये बात करते हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कोरोना महामारी के संबंध में। कोरोना महामारी जो एक हमारे देश, हमारे समाज के लिए अभिशाप की तरह पूरे देश में छा चुका है, हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारा समाज, हमारा देश कोरोना महामारी के कारण बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल समय में कुछ नेक लोग भूखे लोगों को खिचड़ी खिलाकर पुण्य कमा रहे हैं, वहीं कुछ स्वार्थी भाई चावल आटा इत्यादि का भाव मनमाने रूप से बढ़ाकर आम जनता को अप्रत्यक्ष रूप से लूट रहे। वो धर्म और कर्म दोनों प्रकार से गलत है। जिस तरह प्रशासन बिना मास्क वाले भाई को पकड़कर सजा देते हैं, या सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले जनता को पकड़कर सजा देते हैं, उसी प्रकार उन स्वार्थी दुकानदारों को भी पकड़कर सजा देना चाहिए जो मनमाना भाव से आम जनता को चावल इत्यादि के रूप में लूट रहे हैं। मार्केट का भाव कुछ है और ये कुछ अलग ही भाव, अपना भाव लगा के लूट रहे हैं। कुछ बोलने पर बोलते सीधा चले जाओ इधर से, जो कि ये गलत काम है। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सरकार का एक कदम बहुत ही निंदनीय है मेरे हिसाब से, कि राशन कार्ड धारकों को ही राशन दिया जा रहा है, बाकी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो राशन के अभाव में आधा पेट खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा नम्र निवेदन है, सिर्फ महिला जनधन खाता में ही आप 500 रुपया भेजने का आदेश दिए हैं, क्या पुरुष जनधन खाता में भेजने में 500 रुपया या 1000 रुपया सरकार को कोई मुश्किल में डाल सकती है? क्योंकि बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्यों में महिला का जनधन खाता नहीं है, सिर्फ पुरुष भाई का ही जनधन खाता है। तो मेरा मोदी जी से गुजारिश है कि कृपया सिर्फ महिला जनधन खाते में नहीं, पुरुष जनधन खाते में भी हो सके तो 1000-2000 जो हो सके वो सहायता दे करके, आर्थिक सहायता दे करके आम जनता को कृतार्थ करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, खाने पीने चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, और प्रशासन की तरफ से तो बहुत मदद आ रही है लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। कुछ नेता लोग कुछ हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा राशन दे रहे हैं खाने पीने के लिए, लेकिन काम करने वाले हम लोग काम करने वाले आदमी लोग हैं रोज़, तो दिक्कत हो रही है, काम घर पर बैठे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग ख्याल रख रहे हैं, घर पे भी बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। प्रणाम दोस्तों, आज हमारा देश बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है, शासन प्रशासन सब परेशान है, आम जनता भी परेशान है, लेकिन ये ज़रूरी है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए। आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जहाँ जाएँ मास्क का इस्तेमाल करें। और कुछ तकलीफ़ हो रही है हमारे दोस्तों को, जिनको खाने पीने का तकलीफ़ हो रहा है, तो उसके लिए शासन प्रशासन कार्यरत है, आपके तो आप तक पहुंचेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, देश हमारा बहुत विशाल है, आप कुछ समझ सकते हैं। इत्तेफाक से हमारे यूनियन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी यूनियन कुछ हेल्प नहीं कर रही है अपने मेंबर लोगों को, इसके लिए भी आगे बात जारी है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का। आप लोग हैं तो हमारा राष्ट्र है। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, पब्लिक की क्या राय है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोग राशन की वजह से परेशान, भूख से परेशान, किसी के बच्चे भूखे हैं, कोई आधा पेट खा के ज़िंदगी गुजारा कर रहा है, किसी को पानी की परेशानी है, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा ठीक से, किसी को लाठी खानी पड़ रही है, राशन लेने जा रहे हैं तो किसी को सब्जी नहीं मिल रहा है, राशन खत्म हो गया है तो राशन दिया जा रहा है पुलिस वाले, बीएमसी वाले परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो सरकार की सेवा उन तक पहुंच नहीं पा रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का, ऐसे सेवा का? ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है कि सरकार की तरफ से ये किया गया, सरकार की तरफ से वो किया गया, लेकिन
आम जनता के पास उसका सुविधा उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी फैसिलिटी दिया जाए, ऐसा सुविधा दिया जाए कि एक एक आम जनता के पास पहुँच सके। और आप लोगों से, आम जनता से मैं एक निवेदन करूँगा कि किसी को भी भूख की परेशानी है, राशन की परेशानी है, तो आप मुझे वीडियो बनाकर भेजिए। कोई भी आदमी और भूख से मरता है, इसकी जिम्मेदारी सीधा मोदी जी पर जाएगी, उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाएगा। कोरोना से मरा हो तो चलो चलता है एक बार के लिए, लेकिन भूख से मरा इसका जिम्मेदारी सीधा सरकार के पास जाएगा। जिस राज्य में होता है ये घटना, उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाएगा और सीधा सीधी प्रधानमंत्री के पास जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के पास। तो आप लोग से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी कोई भी घटना होती है आपके शहर, आपके गाँव, आपके मोहल्ले, आपकी बस्ती, कहीं भी होता है, तो मुझे एक वीडियो बनाकर भेजिए। मैं अपना नंबर देता हूँ 9967546939, 9967546939। आप लोग इस नंबर पे वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, कोई भी परेशानी है, खास करके भूख को लेके, राशन को लेके, भूख की वजह से कोई मरता है उसको लेके। कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए सरकार को जो करना है कर रही है, कोरोना कोई उपचार भी नहीं है, उसका उपचार एक ही है, बचाव। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, बचाव रखिए, अपने आप को ढक के रखिए, अपने आप को आइसोलेशन में रखिए, अलग रहिए, ये सब बचाव है कोरोना के लिए, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन भूख से कोई मरता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सीधा सीधी सरकार होगा। तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा मैं कि हर किसी के पास राशन पहुंचे। 125 करोड़ जनता है इस भारत में, सबके पास राशन पहुंचना चाहिए। अगर राशन की वजह से किसी की मौत होती है तो इसका सीधा सीधी जिम्मेदार सरकार होगी। और आप लोगों से, जनता लोगों से, आम जनता से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप मोबाइल से अपना वीडियो बनाकर मेरे पास भेजिए, मैं उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को नंबर मैंने बताया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज आप लोगों ने देखा विरार के जीवदानी मंदिर के पास कि क्या रिएक्शन है पब्लिक का। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका होना ज़रूरी है, मिलना नहीं। स्टे होम, सेव लाइफ्स।